एक बार दिखाओ बेटे, दिखा दे बेटे। सर लास्ट ईयर तो आपने पढ़ा दिया था एंजल्स। चलो भाई देखो, देखो भाई हम पढ़ा रहे हैं कौन सा रिवर नेटवर्क, गंगा। क्या पढ़ा रहे हैं? गंगा पढ़ा रहे। सबने सुने हैं नाम। सुनो भाई जरा ध्यान से सुनो, शांति से बैठो, खड़ा हो जाओ वहां से, इधर आ जाओ। यहां बैठ जाओ बेटे। गंगा की लंबाई कितनी बताई थी? 25-25। गंगा की लंबाई कितनी बताई है भाई हमने? 25-25 बताई है। कितने स्टेट से फ्लो करती है? 5 स्टेट से फ्लो करती है। एक हमने इसकी एक नदी और बताई थी जिसका क्या नाम था? सोन नदी। कौन सी रिवर, कौन सी रेंज से ओरिजिन होता है? सोन नदी का जो ओरिजिन है वो कौन सी रेंज से है? मैकाल रेंज से। कौन से स्टेट में? छत्तीसगढ़ में। कौन से स्टेट में? छत्तीसगढ़ में। ये डायरेक्ट किस में मिलती है? गंगा में। डायरेक्ट किसकी ट्रिब्यूटरी है ये? और कहां पर मिलती है आकर? पटना में मिलती। कहां मिलती है? पटना में आकर डायरेक्ट किस में मिलती है? गंगा में। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी का एक क्वेश्चन विशेष आता है। क्या क्वेश्चन आता है? कि ये मैकाल रेंज है। कौन से स्टेट में? छत्तीसगढ़ में। मैकाल रेंज एक ऐसी पर्वतमाला है जहां से चारों दिशाओं में नदियां फ्लो करती हैं। बताया था हमने, मैकाल रेंज एक ऐसी रेंज है जहां से चारों दिशाओं में नदियां क्या करती है? फ्लो करती है। और ये रिवर्स का रेडियल पैटर्न बनाता है। क्या बनाता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सीजीएल तक क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर वो कौन सी पर्वतमाला है, भारत के अंदर वो कौन सी माउंटेन रेंज है जो रिवर का कैसा पैटर्न बनाती है? रेडियल पैटर्न बनाती है, तिरजाकार आकृति बनाती है। कौन कौन सी नदियां हैं ये? ये है सोन नदी। ये कौन सी नदी है? महानदी। ये कौन सी नदी है? नर्मदा। सुना होगा नाम। और ये कौन सी नदी है? इंद्रावती। ये चार नदियां हैं जो कौन सी रेंज से निकलती है? मैकाल रेंज से निकलती है, छत्तीसगढ़ से। ये जो इंद्रावती रिवर है इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया था, ये किस में जाकर मिल जाती है? गोदावरी में। इंद्रावती नदी किस में जाकर मिल जाती है? गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। और इंद्रावती नदी पर कौन सा वॉटरफॉल है? चित्रकूट। कौन सा वॉटरफॉल है? चित्रकूट वॉटरफॉल। कौन सी रिवर पर है? इंद्रावती रिवर पर है। और इसको भारत का क्या माना जाता है? नाइग्रा फॉल माना जाता है। इसको टाइटल दिया गया है भारत का नाइग्रा फॉल। ये नाइग्रा झरना कहां पर है? ओरिजिनलिटी में ये जो नाइग्रा फॉल है ये कहां पर है? ये नॉर्थ अमेरिका में सेंट लॉरेंस रिवर पर है। कौन सी नदी पर है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर सेंट लॉरेंस रिवर पर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। दुनिया का क्या है? ये सबसे बड़ा झरना है। इसमें पानी की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे रिवर्स का नाम आता है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल। और अगर बड़ी नदी की बात करते हैं तो कौन सी है? अमेजोन, ठीक है ना। दुनिया की जो बिगेस्ट रिवर है वो कौन सी है? अमेजोन है। वो क्यों मानी जाती है बड़ी? क्योंकि उसमें पानी की मात्रा दुनिया में सबसे ज्यादा है। और लंबाई की बात करते हैं तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल है। वैसे ही झरनों में भी दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? नाइग्रा।
कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका में। कौन सी रिवर पर है? सेंट लॉरेंस रिवर पर। लेकिन क्वेश्चन आ जाए, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एंजल्स है, कहां पर है? वेनेजुएला में। कौन सी नदी पर? कैरू नदी पर। और एक क्वेश्चन हमने और बताया होगा कि एंजल्स को लेकर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो एंजल्स झरना है वो किस नदी की सहायक नदी पर है, ठीक है ना? तो एंजल्स है तो कैरू रिवर पर। एंजल्स कौन सी नदी पर है? कैरू रिवर पर है। और ये कैरू रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ओरिनोको की। ये क्लियर है बातें? इतनी बता चुके थे, अभी सुनना। और अब देखो, गंगा की बात करते हैं तो गंगा वेस्ट बंगाल की बात करेंगे। अभी किसकी बात करेंगे? वेस्ट बंगाल। ये गंगा जब वेस्ट बंगाल में घुसती है तो घुसने के बाद हमने एक फ्लो तो आपको बताया था कि एक इसकी धारा इससे अलग हो जाती है। जो पानी की धारा नदी में आकर मिलती है वो ट्रिब्यूटरी कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रिब्यूटरी कहलाती है। लेकिन जो धारा नदी से अलग हो जाती है वो डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है। तो गंगा नदी की एक ही डिस्ट्रीब्यूटरी है जो वेस्ट बंगाल में है, जिसको कौन सी नदी बोलते हैं? हुगली, ठीक है। ये गंगा से अलग होती है, गंगा में से ही एक धारा अलग निकल जाती है, इसलिए गंगा की एक ही डिस्ट्रीब्यूटरी है। कौन सी? हुगली। ट्रिब्यूटरी बहुत सारी नदियां आकर गंगा में मिलती। उसके बाद वेस्ट बंगाल से गंगा नदी कहां प्रवेश करती है? ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। वेस्ट बंगाल के बाद गंगा नदी कहां एंट्री करती है? और जैसे ही ये वेस्ट बंगाल में एंट्री करती है ये क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती। क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। कौन सी नदी? गंगा। अब यहां असम के क्षेत्र से, ये वेस्ट बंगाल के ऊपर कौन सा क्षेत्र है? असम का क्षेत्र है। यहां से एक रिवर आती है और वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है और पद्मा में आकर मिल जाती, ठीक है ना? असम में ये नदी क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र। क्या कहलाती है? असम में इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका क्या नाम हो जाता है? जमुना। क्या हो जाता है? ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ब्रह्मपुत्र कई नाम से जानी जाती है, ओरिजन है तिब्बत से, तिब्बत में कहलाती है सांगपो। क्या कहलाती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में क्या कहलाती है? सांगपो कहलाती है। तिब्बत से वो भारत में अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो कहलाती है और अरुणाचल प्रदेश से जैसे भारत में एंट्री करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। क्या हो जाता है? दिहांग। और फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद जब ये असम में एंट्री करती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और जब असम के बाद बांग्लादेश में एंट्री करती है तो क्या हो जाता है? जमुना। स्टेट वाइज नाम बदलते हैं किसके? ब्रह्मपुत्र के। तिब्बत में क्या कहलाती है? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहलाती है? दिहांग। असम में क्या कहलाती है? बांग्लादेश में क्या कहलाती है? जमुना। और बांग्लादेश के अंदर पद्मा और जमुना मिल जाती है और इनका नाम क्या पड़ जाता है? मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में मिलती है तो क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। पद्मा और जमुना दोनों जब प्लस हो जाती है तो मेघना कहलाती है और यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ना गंगा ऑप्शन में मिलेगा ना ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में मिलेगा। क्या मिलेगा? मेघना, ठीक है ना? गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलती है तभी क्या बनती है भाई? मेघना बनती है। और इन्हीं के संगम से आगे चलकर कौन सा डेल्टा बनता है? सुंदरवन का डेल्टा बनता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है ना?
और इसका नाम सुंदर वन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं, इसीलिए ये क्या है? सुंदर वन है। यहाँ पर कौन से पेड़ पाए जाते हैं? सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या है? सुंदर वन है। ये भी ध्यान रखना, इस सुंदर वन के क्षेत्र में कौन से फॉरेस्ट हैं? टाइडल फॉरेस्ट है। कौन से फॉरेस्ट हैं? जिनको जवारीय वन बोलते हैं। कैसे वन बोलते हैं? ये टाइडल फॉरेस्ट है, इनको किडनी ऑफ अर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो सुंदरवन डेल्टा में जो मैग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो टाइडल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? किडनी ऑफ अर्थ, पृथ्वी की किडनी कहलाते हैं। ये टाइटल दिया गया है क्योंकि किडनी का काम क्या है? फिल्टर करना। तो ये भी समुद्र के जल को ये वृक्ष क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। ठीक है, बहुत सारे हजारों प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पैदा होते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी है इन क्षेत्रों में, बहुत ज्यादा विविधता है। वेटलैंड है, आद्र भूमियां हैं। ठीक है, किसकी श्रेणी में है ये? वेटलैंड की श्रेणी में भी है, आद्र भूमियों की श्रेणी में भी है। क्लियर है इतनी बात भाई? पता चल गई पिक्चर? इतनी बात क्लियर है? कहाँ मेघना है, कहाँ पद्मा है, कहाँ जमुना है, मेघना क्या करती है, क्या आधार है? अर्थ ऑफ किडनी ऑफ अर्थ किसको बोलते हैं? जो मैग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, जो टाइडल फॉरेस्ट है, जो सुंदर वन डेल्टा के क्षेत्र में। क्लियर है बेटे बात? डेल्टा में क्या होता है? नदियां जो सेडिमेंट्स लेकर आती है, ठीक है ना, इरोजन करती है नदियां, भारी मात्रा में सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, और जब सी में गिरती हैं तो उस सेडिमेंट्स को समुंदर किनारे इकट्ठा करती जाती है, और ट्राइंगल शेप में वो सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाता है, जो खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत फर्टाइल एरिया होता है। यहाँ पैडी और चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इन क्षेत्रों में। तो डेल्टा क्या होते हैं? उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। हाँ, जमीन सी बन जाती है, वो सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या बन गई? तभी खेती होगी, पानी में तो खेती होगी नहीं, ठीक है ना। क्लियर है बात भाई? इतनी आ गई समझ में? थोड़ा सा और देख लो। अब ये थोड़ा झारखंड का क्षेत्र देखना है। देखो ये गंगा है, बातों को, और ये कौन सी नदी आई? हुगली। कौन सी है ये? यहां से क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है, एक तिलैया डैम को लेकर, एक मैथेन डैम को लेकर। आ जाओ बेटे। एक तिलैया, दोनों बैच इकट्ठे बिठा दिए क्या? ऊपर वाला भी? अच्छा बैठ जा बेटे, बैठ जा। कोई सुनो भाई, सुनो रे, दो क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से डैम को लेकर? एक तिलैया डैम को लेकर, एक मैथेन डैम को लेकर। एमटीएस में भी आया है, एसएससी 12th में भी आया है, स्टेनोग्राफर में भी आया है, ठीक है, डीएसएसबी में भी पूछा गया है, पुराने पेपर देखियो, ठीक है ना। तो ये जो भारत का क्षेत्र है इधर, ये छोटा नागपुर का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? छोटा नागपुर का क्षेत्र है, प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर। कौन सा क्षेत्र है ये? ये मान लो ये छोटा नागपुर पठार, प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर, जो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, चार स्टेट ध्यान रखना। कौन कौन से? झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और ओडिशा, ठीक है। इन चार स्टेट से मिलकर क्या बनता है? प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर। क्या बनता है? प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर। भारत में सबसे ज्यादा मिनरल्स का जोन है, ठीक है ना, मिनरल्स को लेकर ये भारत का हार्ट पैलेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि ये खनिजों को लेकर भारत का दिल है। क्या है भाई? खनिजों के दृष्टिकोण से, मिनरल्स के दृष्टिकोण से ये भारत का क्या है? हार्ट है। एक और क्वेश्चन आता है कि भारत का रूअर जोन, कौन सा जोन?
नोट कर लेना, फिर वही बात आती है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में आए हुए हैं और जो चर्चा में चर्चा होती है, तो बच्चों की ड्यूटी है कि उस बात को नोट कर ले। ठीक है, बालक तो हो नहीं तम, ठीक। तो क्या क्वेश्चन आता है इसको लेकर कि भारत का रूहर जोन किसको बोलते हैं? रूहर, ठीक है। तो रूहर जोन भारत का कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार है। रूहर, रूहर एक जगह का नाम है, जर्मनी में एक जगह है, ठीक है ना, समझे ना बेटे, जर्मनी में एक जगह है, जर्मनी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, यूरोप का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, कौन सा? रूहर। और वो टाइटल किसको दिया गया है? छोटा नागपुर क्षेत्र को। ये हार्ट ऑफ मिनरल्स है, ठीक है। नहीं मिली बेटे जंग है, मिल गई, सही। ये जर्मनी में एक रूहर नाम की जगह है जो यूरोप का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है, तो उसका टाइटल किसको दिया गया है? छोटा नागपुर प्लेट्यू को, समझे ना बात ने? जैसे चित्रकूट झरने को भारत का नाइग्रा फॉल कहा गया है, तो टाइटल कहीं से रिलेटेड है, बात कहीं जुड़ती है, ठीक है भाई। तो ये जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, यहां से एक नदी ओरिजिनेट होती है, ठीक है ना, और वो नदी आकर किस में मिलती है? हुगली में, ठीक है ना। इस नदी का क्या नाम है भाई? दामोदर। क्या नाम है भाई इसका? कौन सी रिवर है ये? दामोदर रिवर है, ठीक है। जो छोटा नागपुर क्षेत्र से जो नदी निकलती है उसका क्या नाम है बेटे? दामोदर रिवर है। और एक क्वेश्चन और बनता है, सीजीएल में देखा हमने कि भारत की कौन सी नदी ऐसी है जो छोटा नागपुर क्षेत्र को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, ठीक है ना। कौन सी रिवर है जो छोटा नागपुर प्लेट्यू को दो इक्वल पोर्शन में क्या करती है? डिवाइड करती है। क्वेश्चन समझ रही है बेटे? वह कौन सी नदी है? दामोदर नदी, ठीक है ना। जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू को दो बराबर भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। हजारीबाग का प्लेट्यू और रांची का प्लेट्यू, ऊपर का हिस्सा हजारीबाग का प्लेट्यू है और नीचे का हिस्सा किसका प्लेट्यू है? रांची का प्लेट्यू। क्लियर है भाई बात? इतनी आगे बात समझ में? ये कौन? ये दामोदर नदी रांची, ये जो दामोदर रिवर है इसको बोलते थे सोरो ऑफ बंगाल। क्या बोलते थे इसको? हाँ, हजारीबाग का प्लेट्यू और रांची का प्लेट्यू, ठीक है। झारखंड की राजधानी क्या है? ठीक, पहले इसको क्या बोलते थे? सोर ऑफ बंगाल। ये बंगाल का शोक थी, बाढ़ लेकर आती थी, भारी मात्रा में फ्लड आती थी, लेकिन वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं इसको वर्तमान में? लाइफ लाइन ऑफ बंगाल है। आज ये बंगाल को जीवन देती, क्योंकि इस पर प्रोजेक्ट इतने सारे बन गए कि बाढ़ की जो समस्या थी वो खत्म हो गई, ठीक है ना। इतने सारे डैम बन गए इसके ऊपर, कौन सी नदी पर? दामोदर नदी पर, ठीक है। क्लियर है भाई बात? इतनी एक और ध्यान रखना, यही झारखंड के क्षेत्र से एक नदी जाकर और मिलती है, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इस नदी का नाम है मयूराक्षी नदी। कौन सी नदी है? मयूराक्षी रिवर है, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? हुगली की। हुगली की दो नदियां हैं जो डायरेक्ट इसमें मिलती है, एक कौन सी? मयूराक्षी, और दूसरी कौन सी? दामोदर, ठीक है। अब ये नदियों पर डैम बने हैं तो कभी तो बिगनिंग हुई होगी, कभी तो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई होगी, क्योंकि हमने सब कुछ सीखा है, प्रेरणा ली है। जब हम आजाद हुए, गरीब भारत, भूखा भारत, सुविधाओं के अभाव वाला भारत, ना उद्योग, ना मेडिकल, ना शिक्षा, कुछ नहीं थी, बर्बाद भारत, जीरो भारत, ठीक है।
तो ये प्रोजेक्ट की जो बिगनिंग हुई, ये हमने कहां से प्रेरणा ली है, ध्यान रखना, रिवर प्रोजेक्ट कहां से आए हैं? यूएसए से। रिवर प्रोजेक्ट की बिगनिंग कहां से हुई है? यूएसए से। यूएसए में टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट से। यूएसए में कौन सी नदी बहती है? टेनेसी नदी। कौन सी रिवर? टेनेसी रिवर। तो टेनेसी रिवर से हमने प्रेरणा लेकर अपने देश में रिवर प्रोजेक्ट की बिगनिंग की है। क्लियर है बात? जो रिवर प्रोजेक्ट की बिगनिंग हुई है वो कहां से? यूएसए में। कौन सी रिवर से? टेनेसी रिवर से हमने प्रेरणा ली है। तो प्रेरणा कहां से ली? कौन सी नदी? और बिगनिंग कौन सी नदी से हुई? ठीक है ना, हमारे देश के अंदर रिवर प्रोजेक्ट की बिगनिंग कहां से हुई है बेटे? दामोदर नदी से हुई है। और कहां से प्रेरणा लेकर? यूएसए से। यूएसए में कौन सी नदी? टेनेसी रिवर। कौन सी रिवर? टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट से प्रेरणा लेकर हमने अपने देश में दामोदर नदी से रिवर वैली प्रोजेक्ट का क्या किया है? आरंभ किया। नदियों पर बांध बनाने के बहुत सारे लाभ हैं, ठीक है ना। बिजली बनती है, हाइड्रो पावर प्लांट लगते हैं, बाढ़ की समस्या खत्म होती है, पीने का पानी मिलता है, सिंचाई की समस्या खत्म होती है। तो नदियों के बड़े लाभ हैं, ठीक है ना। इसलिए हमारे देश में नदियों को किसका टाइटल दिया गया है? माँ का, ठीक है ना। गोमती मैया, नर्मदा मैया, हर जंग है नदियों की पूजा है देश के अंदर। हरिद्वार जाता है देश, ठीक है ना भाई, बर्बाद करके आ जाता है, ठीक है ना। सोच है ना लोगों की, चलो सही है। तुम गंदा मत करना गंगा नदी को, जाओ तो ठीक है ना, तो साफ सफाई रखना, ध्यान रखना थोड़ी सी। हाँ हाँ, वो कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान रखना, अपनी ड्यूटी निभाओगे, ठीक है। वो कहते हैं ना कि आज अभी से अगर कोई एक बच्चा एक बूंद जल बचाने को लेकर सचेत हो जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा जब देश के करोड़ों बच्चे जल के महत्व को समझकर घर घर में पानी को बचाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, ठीक है। तो शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी, कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। आज आप स्वच्छता का ध्यान रखोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां सदैव ही जागरूक रहेंगी, ठीक है ना। बच्चा अपने घर से सीखता है, समझे ना बात ने, सिखाओगे तभी तो है भाई। अब तू हाथ धोने लग रही है, कोलगेट करने लग रही है, 15 मिनट टैप चल रहा है, बच्चा भी वही देख रहा है, तो वो भी खुला ही चलाएगा, ठीक है ना। तो क्लियर है भाई इतनी बात? अब और सुनो थोड़ा सा, पांच चार बातें और। तीन नदियां ऐसी हैं जो नेपाल से ओरिजिनेट होती हैं और गंगा में मिलती हैं, ध्यान रखना। तीन नदियां ऐसी हैं जो नेपाल से ओरिजिनेट होती है और गंगा में मिलती है, तीनों के नाम लिख लो, गंडक, घग्गर और कोसी। गंडक, घग्गर और कोसी, ये तीन नदियां नेपाल से ओरिजिनेट होती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तीनों ऑप्शन में होते हैं। तीन रिवर गंगा में मिलती है जो कहां से जन्म है? नेपाल से जन्म है। एक गंडक है, एक घग्गर है और एक कोसी। क्लियर है बात? है भाई, ये तीनों नदियां ध्यान रखना। कोसी को बोलते हैं सोरो ऑफ बिहार। क्या बोलते हैं? सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं कोसी नदी को, ठीक है। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? सरयू के किनारे है। और सरयू घग्गर की ट्रिब्यूटरी है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। जो सरयू नदी है, राम मंदिर तो चर्चा में खूब, ठीक है ना, राम ही राम है चारों तरफ है, पर हिंदुओं की भक्ति थोड़ी झूठी है, समझे ना बात ने। सरयू नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है बेटे? घग्गर की, ये क्वेश्चन आ चुका है। और सरयू के किनारे कौन सा शहर है? अयोध्या। और अयोध्या में मोदी सरकार ने क्या बनाया है? राम मंदिर, ठीक है। हाँ हाँ, तो सही है। फिर वही बात आती है, मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है, सबकी अपनी सोच है, हम क्लास में चर्चा भी कर देते हैं। जब हजार वर्षों तक हिंदू ठोकरों में रहा है,
हजार वर्षों तक मुसलमानों की ठोकरों में, इस्लाम की ठोकरों में हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, ना हम किसी धार्मिक भावना को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मेरे शब्दों से किसी बच्चे की धार्मिक भावनाएं खंडित होती हैं या किसी बच्चे की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचता है तो मैं दोषी नहीं हूं, ठीक है ना, उसकी व्यक्तिगत विचारधारा दोषी है। मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना है ही नहीं, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, देश पर लगभग 700-800 साल इस्लाम का राज रहा और हिंदू शोषित रहा, हमेशा सेकंड रहा, और फिर गुलाम भारत में सभी शोषित रहे, और 1200 साल के इतिहास में ठोकरों में रहने के बावजूद अगर आज कोई व्यक्ति हिंदू के नाम पर राजनीति करता है तो मेरी विचारधारा से गलत नहीं है, ठीक है ना, सही है। पुराना इतिहास देखोगे, हिंदू महिलाओं की स्थितियां देखोगे, इस्लाम के राज में पर्दे के अंदर क्यों रहती थी महिलाएं, वो कारण देखोगे तो आंखें खुलेंगी, ठीक है ना। इतिहास पढ़ो, थोड़ा सा इतिहास पढ़ोगे तो पता भी चलेगा कि देश के हालात क्या थे। आज ये जो सवाल जवाब करते हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं, रील यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं, उसका जमाना है ज्यादा, ठीक है ना। रील देखते हैं, चार घटनाओं को देखते हैं, आधार समझते नहीं, कारण समझते नहीं और शिक्षा देते हैं, ऐसे कदम कदम पर हैं, ठीक है। तो जानने वाले और समझने वाले जो लोग रहते हैं वो ऐसी चर्चाओं में मौन रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक मूर्ख 100 विद्वानों की बुद्धि को चौपट करने की क्षमता रखता है, परंतु 100 विद्वान एक मूर्ख को विद्वान नहीं बना सकते, ठीक है। तो मूर्खों के समाज में चुप रहना सीखो, जो सही है वो सही। अभी देखो भाई, ये तो सिस्टम खत्म है, अगला विषय इंडस रिवर को पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ये बहुत कुछ हो गया। दूसरा प्रोजेक्ट कौन सा देखो, इन 2-3 क्लास में खत्म करो ना, ये 6 महीने लगा देंगी। दिमाग में बात है ज्यादा मेरे में। अब देखो भाई, भारत का थोड़ा सा परिचय देखोगे आप, काल्पनिक चित्र है, चित्रकार ना हूं मैं, कदे मैंने दांते समझ रहे हो, हाँ कोशिश करते हैं, ठीक है, एक विदेशी चित्रकार था। अब ये भारत है, ये भारत के ऊपर का जो क्षेत्र है यहां पर, इस क्षेत्र को, इसको क्या बोलते हैं बेटे, इसको बोलते हैं पामीर नोट, पीछे पामीर नोट। ज्योग्राफी में नोट का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जहां से कई सारी माउंटेन रेंज का ओरिजन होता है, ठीक है ना। जियोग्राफी में नोट का क्या मीनिंग है बेटे, ग्रंथि बोलते हैं, जहां से कई सारी पर्वतमालाओं का क्या होता है, जन्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, नोट बोलते हैं। ये पामीर के पठार का क्षेत्र है, प्लेट्यू ऑफ पामीर, सुना होगा, तिब्बत के विश्व की छत बोलते हैं जिसको, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये जो पामीर प्लेट्यू है इसको क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत है ये, ठीक है ना। और इसको पामीर नोट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां से कई सारी माउंटेन रेंज का क्या होता है, ओरिजन होता है, जन्म होता है। कैसे ओरिजन होता है, एक माउंटेन रेंज इधर निकलती है जिसको बोलते हैं हिंदू कश, सुना होगा नाम, ये हिंदू कश पर्वतमाला है, कौन सी है, एक पर्वतमाला इधर निकलती है, एक पर्वतमाला इधर निकलती है, इस नीचे वाली पर्वतमाला का नाम है कुनलुन चाइना में, और इसका जो पहले नंबर की पर्वतमाला इधर लिख देते हैं, इसका क्या नाम है, टियानसेन, क्या नाम है, टियानसेन माउंटेन रेंज, पामीर नोट से। दुनिया में जो चाय की खोज हुई सबसे पहले यहां हुई, ठीक है ना, जो चाय की खोज हुई है दुनिया में वो कौन सी पर्वतमाला पर हुई है, टियानसेन पर, एक बौद्ध मोंक ने खोज करी है, बौद्ध भिक्षु ने, किसने खोज करी है, बौद्ध भिक्षु ने खोज करी है, कौन सी पर्वतमाला पर, टियानसेन पर, किस चीज की खोज हुई है, चाय की खोज हुई है। और आज भी बौद्ध धर्म का जो सबसे प्रिय लिक्विड है वो क्या है, चाय, ठीक है ना। सबसे पसंद करके वो किसको पीते हैं बेटे, चाय को पीते हैं, सबसे फेमस है, क्योंकि खोज भी उन्होंने ही की है। चाय की खोज कौन सी पर्वतमाला पर हुई है, टियानसेन पर। पामीर नोट से कई सारी पर्वतमालाएं निकलती है, जो ये नोट मीनिंग है ये क्लियर हो गया है या नहीं, है भाई, ओरिजिन ओरिजिन हो रहा है।
अब ये हिमालय का भी क्षेत्र है, इंडस रिवर नेटवर्क पढ़ते हो तो उसमें हिमालय को जानना जरूरी है, क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र से ही फ्लो करती है, ठीक है ना। थोड़ा सा परिचय देते हैं, हिमालय कई भागों में डिवाइड है। सबसे पहला उसका पोर्शन क्या कहलाता है, ट्रांस हिमालय। सबसे पहला हिमालय क्या कहलाता है, ट्रांस हिमालय कहलाता है। दूसरे नंबर पर जो हिमालय है वो क्या कहलाता है, ग्रेट हिमालय। क्या कहलाता है, दूसरा हिमालय जो है वो क्या कहलाता है बेटे, ग्रेट हिमालय। तीसरे नंबर पर जो हिमालय है वो कहलाता है मिडल हिमालय, और चौथे नंबर पर जो हिमालय है वो कहलाता है आउटर हिमालय, या इसको बोलते हैं शिवालिक। कौन सी रेंज बोलते हैं, शिवालिक रेंज बोलते हैं। तो चार पोर्शन हो गए हिमालय के, ट्रांस, ग्रेट, मिडल, आउटर। हाँ, क्यों बोलते, पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि ग्रेट हिमालय को क्या बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं। अब इस हिमाद्री शब्द का मीनिंग क्या है, ठीक है, बात को समझना। मान ले ये पर्वत है, क्या है, पर्वत है, तो लगभग 4000 मीटर से 5500 मीटर तक, बात को समझना, 4000 मीटर से 5500 मीटर की हाइट के जो माउंटेन्स होते हैं उनमें सीजन में बर्फ पड़ती है, ढक जाते हैं बर्फ से, और गर्मियों में वो बर्फ पिघल जाती है। कौन से मीटर तक, 5500 मीटर। लेकिन 5500 मीटर से ऊपर की हाइट के जितने भी पर्वत हैं वो वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं, वाइट आउट रहते हैं, बात को समझो ना। हमने कहा 4000 से लगभग 5500 मीटर हाइट के जितने भी पर्वत होते हैं सर्दियों में बर्फ से ढक जाएंगे, गर्मियों में बर्फ पिघल जाएगी और नदियों के माध्यम से पूरे देश में फैल जाएगा पानी। लेकिन जो 5500 मीटर से ऊपर के हाइट के जितने भी पर्वत होते हैं वो पूरा साल वाइट आउट रहते हैं, पूरा साल बर्फ से ढके रहते हैं। और ग्रेट हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 6100 मीटर। ग्रेट हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 6100 किलोमीटर है। तो यहां जितने भी पर्वत हैं वो वर्ष भर क्या रहते हैं, वाइट आउट रहते हैं, बर्फ से ढके रहते हैं। और जो वर्ष भर वाइट आउट रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, समझ गए ना। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री क्यों बोलते हैं, क्लियर है, क्योंकि 4000 से 5500 मीटर तक तो सीजनल वाइट आउट मिलेंगे, गर्मियों में बर्फ भी गड़ जाएगी। लेकिन 5500 मीटर से ऊपर हाइट के जितने भी पर्वत होते हैं वो पूरा वर्ष बर्फ से ढके होते हैं। और ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 6100, तो पूरा साल बर्फ मिलेगी ना बेटे। और जहां पूरा वर्ष बर्फ है वो क्या है, हिमाद्री है। समझ गई, चलो सही, ट्रांस हिमालय भी बेटे शंका है क्योंकि वो लद्दाख का क्षेत्र है, ठीक है ना। अब जो सियाचिन के ऊपर के क्षेत्र है वहां तो ग्लेशियर ही है, वर्ष बर्फ बर्फ रहती है, ठीक है ना। लेकिन टाइटल दिया जाता है ग्रेट हिमालय को ही हिमाद्री का, ठीक है ना, कह तो उसको भी सकते हैं हम। वहां भी 8000 मीटर से ऊंची हाइट के पर्वत है, ठीक है ना बेटे। हाँ, पूरी रेंज, हाँ, हिमालय को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। ग्रेट है, मिडल है, आउटर है और ईस्टर्न है, ईस्टर्न भी है, पूर्वोत्तर हिमालय, ठीक है। पांचवा कौन सा है, ये तो मुझे पता है कि ये मैंने 4 लिखे हैं, ठीक है ना। कौन सा है, ईस्टर्न हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय। तो हिमालय कितने हैं बेटे, 5, ठीक है। हिमालय को कार्डिलेरा बोलते हैं, बात को समझना, एक क्वेश्चन और आता है पेपर में, क्या बोलते हैं, कार्डिलेरा बोलते हैं। हिमालय को क्या बोलते हैं बेटे, कार्डिलेरा बोलते हैं। हाँ, हिंदी में भी यही, हिंदी में क्या है मुझे पता नहीं, होता होगा कुछ, ठीक है ना, है भाई। अब ये मैं ये कहना कि हिंदी में भी यही है, ये सही नहीं है बात, ठीक है ना। लेकिन जगह जगह तुम यही पढ़ोगे, कार्डिलेरा। हिमालय को क्या बोलते हैं, अब ये शब्द है क्यों बेटे,
क्या मीनिंग है इस शब्द का? जहां भी बात को समझो, जहां भी एक दूसरे के पैरलर माउंटेन रेंज होती है, एक दूसरे के पैरलर जो माउंटेन रेंज है वो क्या कहलाती है? 1, 2, 3, 4, 5 पैरलर है कि नहीं है भाई? ऊपर ट्रांस, नीचे ग्रेट, फिर मिडल, फिर आउटर, तो पैरलर है ना एक दूसरे के। तो जहां भी पैरलर माउंटेन रेंज है उस माउंटेन रेंज को क्या टाइटल दिया जाता है? कोर्डिलेरा। तो समझ गए कोर्डिलेरा क्या होता है? पैरलर माउंटेन रेंज कोर्डिलेरा कहलाती है। एक दूसरे के समानांतर जो पर्वतमाला होती है वो क्या कहलाती है? कोर्डिलेरा। समझ गया भाई? पीछे पूछ लेना समझ में आए तो, चुप ना रहना बेटे, पूछ लेना है कोई बात समझ में ना आए तो। हम क्या मीनिंग कह रहे हैं? हमने कहा कि हिमालय रेंज को क्या बोलते हैं? कोर्डिलेरा। कोर्डिलेरा किसको कहते हैं? जो पर्वतमालाएं एक दूसरे के पैरलर होती हैं, ठीक है ना? जैसे ये ट्रांस हिमालय, इसके पैरलर ग्रेट हिमालय, फिर मिडल हिमालय, फिर आउटर हिमालय। तो पैरलर है ना एक दूसरे के, एक के बाद दूसरी रो में है ना, ये ट्रांस, ये ग्रेट, ये मिडल, ये आउटर, तो ये क्या हो गया? कोर्डिलेरा हो गया, ठीक है ना? इसका एग्जाम्पल पूछते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है अफ्रीका में एटलस माउंटेन रेंज, वो भी क्या कहलाती है? कोर्डिलेरा, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हिमालय की तरह कौन सा है बेटे? एटलस माउंटेन रेंज। कहां पर? अफ्रीका में। कहां पर? अफ्रीका में। वो भी हिमालय की तरह क्या है? कोर्डिलेरा। क्लियर है? कितने वो उसके बारे में लिख लो थोड़ा सा, एटलस के बारे में लिखो थोड़ा सा। एटलस कौन से कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका में, ठीक है। हिमालय की तरह फोल्ड माउंटेन है। हिमालय की तरह कैसा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है हिमालय की तरह। हिमालय की तरह क्या है? कोर्डिलेरा है। हिमालय की तरह क्या है? कोर्डिलेरा है। तीन देशों में है। कितने देशों में? एटलस माउंटेन तीन देशों में है। मोरक्को, एटलस माउंटेन कितने देशों में है? तीन देशों में है। कहां? मोरक्को, अल्जीरिया, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया, 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 कैपिटल ट्यूनिस, अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरियस, मोरक्को की कैपिटल रबात, ठीक है ना? वो देख लेना कभी। क्लियर है बातें? अफ्रीका में है तीन देशों में, क्लियर है? ये भी ध्यान रखना, अफ्रीका का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। चलो एटलस की पिक्चर दिखाऊं क्या? एटलस की पिक्चर भी दिखाऊं? अच्छा चलो देख लो। ये समझो अफ्रीका, ये क्या है? मान लो क्या है? अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका की लोकेशन थोड़ी सी समझोगे तभी कंडीशन पता चलेगा। अफ्रीका के बिल्कुल ऊपर आपको नजर आएगा मेडिटेरियन सी। कौन सा सी? अफ्रीका के ऊपर कौन सा सी नजर आएगा? मेडिटेरियन सी। अफ्रीका के इधर आपको नजर आएगा ये रेड सी। कौन सा सी? रेड सी। ये अफ्रीका के इस पोर्शन में नजर आएगा इंडियन ओशियन, और इधर ये पोर्शन कौन सा है? अटलांटिक। ये लोकेशन है वाटर बॉडी की, किसकी? अफ्रीका की। मेडिटेरियन सी के ऊपर क्या है? यूरोप। होशियार हो गए भाई तुम तो, ठीक है। मेडिटेरियन सी के ऊपर क्या है? यूरोप।
ठीक, दुनिया के सबसे नीच लोग यही रहते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, वास्तविकता है, पूरी दुनिया में इन्होंने राज किया है, जहां भी गए हैं दोस्त बनकर गए हैं और पीठ में छुरा घोंपा है, ठीक है। यूरोप का इतिहास है, कितने पढ़ लियो, कहीं पढ़ लेना, इनसे नीच दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है, समझे ना। दुश्मन पे भरोसा कर लेना, यूरोप के लोगों पे मत करना। अभी ये लोकेशन है तो यहां आप देखोगे, इस कंडीशन में यहां आपको देश मिलेगा मोरक्को, कौन सा मिलेगा, मोरक्को। यहां आपको देश मिलेगा अल्जीरिया और यहां आपको देश मिलेगा ट्यूनीशिया। ये तीन देश है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, ये तीन देश है। और यही इन तीनों देशों में ही कौन सी माउंटेन रेंज है, एटलस, जो क्या है, कोर्डिलेरा है। ध्यान तो देख लो भाई, ये क्वेश्चन आवे, ठीक है, जिसका जी ना लाग रहा है वो लिखट लो अपने पिछले दरवाजे थे। हाँ, जिसको पढ़ने में आनंद नहीं आ रहा, डिस्टर्ब ना करे, कृपया निवेदन है, विनम्र भाव से जा सकता है, ठीक है। तो ये मोरक्को है, ये अल्जीरिया, ये ट्यूनीशिया, यहां एटलस है। मोरक्को की कैपिटल यहां मिलेगी आपको, जिसका क्या नाम है, रबात। क्या नाम है, अटलांटिक ओशियन में पोर्ट है रबात। क्या है, अटलांटिक ओशियन में क्या है, पोर्ट है, बंदरगाह है, ठीक है ना। मोरक्को की एक खास बात और ध्यान रखना, मोरक्को अफ्रीका का अकेला देश है, मोरक्को अफ्रीका का, 55 देश है अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका का अकेला देश है जो मेडिटेरियन से भी टच है। और समझ गए ना बात ने, तो खास क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया भाई। 55 देशों में ये क्वालिटी सिर्फ एक ही देश के पास है, किसके पास, मोरक्को के पास। मोरक्को अफ्रीका का अकेला देश है, ठीक है, जो मेडिटेरियन सी से भी बॉर्डर शेयर करता है और अटलांटिक ओशियन से भी बॉर्डर को शेयर करता है। क्लियर है दोनों बात। ऐसे दुनिया में तीन ही देश, ऐसे दुनिया में तीन ही देश हैं, एक तो मोरक्को अफ्रीका का, दो देश हैं यूरोप के, स्पेन और फ्रांस, ठीक है ना। दुनिया में तीन ही देश हैं जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से बॉर्डर को शेयर करते हैं। क्वेश्चन आ गया समझ में, यूरोप के, स्पेन और फ्रांस। ऐसे दुनिया में तीन ही देश हैं जो मेडिटेरियन और अटलांटिक दोनों से टच हैं, कौन कौन से, मोरक्को, स्पेन एंड फ्रांस। क्लियर है बात, ये भी एक रेयर बात है, ठीक। यहां स्पेन है, यहां फ्रांस है, ठीक है, ये तीन ही देश हैं दुनिया में। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, और देख लो जो क्वेश्चन नजर आते हैं, ये अफ्रीका के देश ये मेडिटेरियन से टच हैं, ठीक है ना। ये अफ्रीका के देश किससे टच हैं, मेडिटेरियन से टच हैं। तो क्वेश्चन आता है कि अफ्रीका के कौन से देश की कैपिटल मेडिटेरियन सी के किनारे पर है। क्या क्वेश्चन आता है कि अफ्रीका के कौन से देश की कैपिटल मेडिटेरियन सी के किनारे पर है, बैंक पर है। क्वेश्चन आ गया समझ में। हम कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि अफ्रीका के कौन से देश की कैपिटल मेडिटेरियन सी के किनारे पर है। आ गया क्वेश्चन समझ में। तो तीन देश है, देखो, एक देश तो हमने क्या लिखा, ये मोरक्को, दूसरा हमने क्या लिखा, अल्जीरिया, तीसरा ट्यूनीशिया, एक देश है लीबिया और एक देश है इजिप्ट जिसको मिस्र बोलते हैं। ये पांच देश हैं जो मेडिटेरियन सी को टच करते हैं और अफ्रीका के, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि अफ्रीका के कितने देश मेडिटेरियन को टच करते हैं, भाई पांच, ठीक है ना। अफ्रीका के कितने कंट्री मेडिटेरियन सी को टच करते हैं,
पांच कंट्री टच करते, जिसमें से मोरक्को की कैपिटल हमने क्या बताई, रबात। और इसके बारे में हमने बताया ये कहां पर है, ठीक है, तो मोरक्को की कैपिटल तो मेडिटेरियन से टच है ही नहीं, ठीक है ना, ये तो कहां पर है, अटलांटिक ओशियन का एक पोर्ट है। हालांकि मोरक्को दोनों को टच करता है, मोरक्को की कैपिटल मेडिटेरियन सी के किनारे पर नहीं है। मैप खोल लो, देख लो, चेक कर लो चीजों को, ठीक है ना, जो पता चले किसकी लोकेशन क्या है, आंख मीच का भरोसा ना करा करा। बंद नहीं होता गए, है भाई मिस्त्री बैठे इसे मिस्त्री तो हम भी यहां बैठे हाँ। अल्जीरिया, अल्जीरिया की कैपिटल क्या है, अल्जीरियस। ट्यूनिशिया की कैपिटल क्या है, एक ने खा लिया, ट्यूनिश। लीबिया की कैपिटल क्या है, त्रिपोली। और मिस्र की कैपिटल क्या है, काहिरा। ये पांच कैपिटल है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इनमें से ये तीन कैपिटल मेडिटेरियन सी के किस पर है, किनारे पर है, ठीक है। तीन पांच देशों में से कितनी कैपिटल, तीन कैपिटल मेडिटेरियन सी के बैंक पर है, ठीक है। और ये तो अटलांटिक में हो गई, और काहिरा कौन सी रिवर के बैंक पर है, ध्यान रखना, मिस्र की राजधानी। ये बड़े सवाल हैं, ये तो पता ही पता होने चाहिए, ठीक है ना। काहिरा कौन सी नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे, नाइल रिवर के किनारे पर है, ठीक है। और तीन देशों की कैपिटल कहां पर है, मेडिटेरियन। क्लियर है बात, इतनी आ गई समझ में, है भाई, पता चल गया। अब ये है रेड सी, लाल सागर। कौन सा सागर है, पहले क्या था, पहले ये मेडिटेरियन सी और रेड सी आपस में जुड़े हुए नहीं थे, ठीक है ना। ये लोकेशन तो बनेगी ऐसे बेटे, ये समझो, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, लाल उसका कारण है ना, यहाँ पर वाल है, शैवाल है, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं, ठीक है ना, जिनके कारण पानी का रंग, पढ़ना थोड़ा सा इसके बारे में। इसको इरिथेरियन सी भी बोलते हैं ग्रीक भाषा में, ठीक है ना। हाँ हाँ, इरिथेरियन सी, देखो रे, देखो पहले ये रेड सी है, पहले रेड सी और मेडिटेरियन सी आपस में जुड़े हुए नहीं थे, ठीक है ना, दोनों अलग अलग थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखना जरा, ठीक है ना भाई। कैसे लोकेशन बनती है बेटे, ये कुछ ऐसे लोकेशन बनती है, ये ऐसे समझ लो, ठीक है ना, समझे ना बात को। अब ये पोर्शन देखो, मेडिटेरियन सी ऊपर ये सारी जमीन है, रेड सी यहां खत्म हो गया, खत्म हो गया ना, तो रेड सी और मेडिटेरियन सी आपस में प्लस नहीं थे, जुड़े हुए नहीं थे, अलग अलग थे। ये पोर्शन है इजिप्ट का, किसका पोर्शन है ये सारा, ये मिस्र है, कौन सा देश है ये, इजिप्ट है। तो रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने के लिए एक नहर बनाई गई है, स्वेज कैनल। कौन सी कैनल, खूब पढ़ा होगा, खूब फेमस है, ठीक है। रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने वाली कैनल कौन सी है, स्वेज कैनल है, ठीक है ना भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है, ठीक है, क्लियर है बात। अब दोनों प्लस है, अब यहां भारत से बॉम्बे से निकले, बॉम्बे से निकले, बॉम्बे से निकलकर रेड सी में घुसे, रेड सी से स्वेज कैनल में घुसे, मेडिटेरियन सी से होते हुए सारे यूरोप से व्यापार करते हुए अटलांटिक में घुसकर सीधे अमरीका पहुंच गए ना, ठीक है ना, यूएसए। पहले पहले देखो अंतर देखो ना, स्वेज कैनल के बनने से कितना फायदा हो गया। पहले हम यहां बॉम्बे से निकलकर अफ्रीका के नीचे से जाते थे,
ठीक है, रास्ता ही नहीं था यहाँ से, तो अफ्रीका के नीचे से होकर जाते हुए साउथ अमेरिका से ही आप भूखे मरे हैं, ठीक है ना। यहाँ व्यापार से लाभ थोड़ी होगा, ये तो पहले ही रिसोर्सेज लेस है। यहाँ से जाने में तो नुकसान था, कई हजार किलोमीटर रास्ता लंबा था, ठीक है ना भाई, समझे ना बात ने। वो कहते हैं ना कि एक भूखे ने दूसरे भूखे से पूछा कि दो और दो, वो बोला चार रोटी, ठीक है ना। तो भूखे को क्या दिखाई देगी, रोटी दिखाई देगी। तो ये तो पहले ही रिसोर्सेज लेस है बेटे। तो अभी इस रास्ते से बहुत इफेक्ट हो गया ना, कई हजार किलोमीटर की दूरी कम हो गई स्वेज कैनल के बनने से, यार हम दुनिया से जुड़ गए, विकसित देशों से जुड़ गए, समझे ना बात ने। किससे जुड़ गए, विकसित देशों से जुड़ गए, व्यापार प्रॉफिटेबल हो गया, किसके बनने से, स्वेज कैनल के बनने से, क्लियर है बात। अब यहां कितने देश पड़ते हैं जो किससे टच है, रेड सी से, यो भी देख लो एक बार, बस लास्ट है ना, तो पूरा अफ्रीका पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है ना। रेड सी से ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा देश रेड सी से टच है, तो सबसे पहले इजिप्ट, इजिप्ट के बाद यहां मिलेगा सूडान, क्या मिलेगा, सूडान, सूडान भी दो है, एक नॉर्थ सूडान एक साउथ सूडान, इसके नीचे यहां भी है सूडान, वो लैंड लॉक है। सूडान के बाद यहां पर एक देश मिलेगा छोटा सा जिसका नाम है इरिट्रिया, क्या नाम है, एक देश और मिलेगा जिसका नाम है जिबूती, और एक देश और मिलेगा जिसका नाम है सोमालिया, क्या नाम है। अब इन पांच देशों के सिस्टम को समझना है थोड़ा सा, ठीक है ना, व्यवस्था को समझना है। पांच देश है, ठीक है, आजकल ये शब्द ज्यादा चर्चा में है ना, ठीक है ना, सिस्टम। इजिप्ट है, एल्विस का नाम है, एल्विस का लाया उससे पहला आमा, ठीक है ना, है भाई, एल्विस तो बेटे कल आया है, मानते हो ना बात को, थोड़ा चर्चा में है, दुनिया जानने लगी, उससे पहले भी तो लोग हैं जिनका सिस्टम है, ठीक है ना, है भाई। तो उसने सीखा है, ये शब्द बनाया नहीं है, ठीक है, उसके बड़ों ने बनाया है शब्द, कौन सा, सिस्टम, ठीक, एल्विस का नाम ले, वो ठीक है, प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्ध है, अच्छी बात है, उसने प्रसिद्धि हासिल करी है किसी भी क्षेत्र में करी है, अच्छी बात है, ठीक है। सराहना का विषय है, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया, ये पांच देश हैं। यहां कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखना, ये चार ही देश रेड सी से टच है, ठीक है। मैप देखोगे, धरती की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें ये ना अंदाजा लगवाए कि पांचों देश टच हैं, ठीक है। मैप देखोगे तब भी यही लगेगा कि रेड सी से ये पांच के पांच कंट्री टच हैं, ठीक है बेटे, लेकिन कितने टच हैं, चार टच हैं। ये है सोमालिया, ये क्या है, सोमालिया, यहां पर ये जो वाटर पोर्शन है ये गल्फ ऑफ एडन है, क्या है, ये अदन की खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है, अदन की खाड़ी है। तो सोमालिया किससे टच है, गल्फ ऑफ एडन से टच है, ना कि रेड सी से, समझे ना बात को। तो रेड सी से कितने देश टच हैं, चार, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। जिबूती में डी आता है, मैप में देखोगे तो डी नजर आएगा बिगनिंग में, ठीक है, साइलेंट है, बोलते क्या है इसको, जिबूती। तो रेड सी से कितने देश टच हुए, चार, और पांचवा देश कौन सा, सोमालिया, जहां आज भी समुद्री लुटेरे, सबसे ज्यादा पायरेसी दुनिया में सोमालिया में, ठीक है ना भाई। इस क्षेत्र में जाने से लोग डरते भी, क्लियर होगी बात। अब ये जो हिस्सा नजर आ रहा है, ये हिस्सा नजर आ रहा है कि नहीं, इसको बोलते हैं, अरे भाई चुप हो जाओ, ठीक है, जबान का ताड़ा ला लो। ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं इस हिस्से को, चार देश आते हैं इसमें, हाँ सोमालिया से अलग भी तो है, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, हाँ इस हिस्से को, ये क्या कहलाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है,
अफ्रीका का सींग बोलते हैं इसको, और कितने देश हैं इसमें? चार, लिख लो, इरिटेरिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। ठीक है, इथोपिया यहां मिलेगा, सोमालिया के इधर लैंड लॉक है। क्या है? इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, चार देशों से मिलकर क्या बनता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आते रहते हैं हर एक, ज्यादातर पेपरों में बदल कर विश्व भूगोल का विषय आता है। तो इतनी बात आ गई समझ में, क्लियर है? है भाई, कुछ नया सीखे, बिगनिंग हुई थी एटलस से, ठीक है, इसीलिए ये 10 बातें ज्यादा बताई हैं, क्योंकि एटलस क्या है? एज ए हिमालय कोर्डिलेरा है। एटलस क्या है? एज ए हिमालय कोर्डिलेरा है, ठीक है। जैसे हिमालय को कोर्डिलेरा बोलते हैं, वैसे एटलस को भी क्या बोलते हैं? क्या हो गया मेरे तब जो ने की तो उलझ गई, कहां उलझ गए बेटे? हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या पूछ रही है? क्या पूछ रही है बता मुझे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया लिख लिया, जिबूती लिख लिया, सोमालिया लिख लिया, इथोपिया और लिख ले, ठीक है। ये ना बेटे, यो मेरी बाण, ठीक, नीचे रख फोन एक, कोई नहीं मैं सिखाऊंगा ना बहन, ठीक। ये देख, इरिट्रिया, ठीक है, इथोपिया, ये इरिट्रिया, ये जिबूती है इधर छोटा सा, ठीक है, इथोपिया और ये सोमालिया, ठीक है ना। इन इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, इन चार देशों से मिलकर ही क्या बनता है बेटे? और नो, ठीक है ना, ठीक है, मैं आपको जानना जरूरी है बेटे, ठीक है ना, तो फिर जीरो ही रहेगी, ठीक है, बढ़ के अब के सिखाओगे, ठीक। हाँ, ये उस शेप में है ना, सींग की तरह शेप है ना इसकी, इसीलिए तो हॉर्न कहा गया, और कोई विशेष कारण ना है, अफ्रीका का सींग है तो ऐसी शेप है ना, जैसे सींग होता है, ठीक। चलो भाई सुनो, पॉलिटी पढ़ते हो तुम? कोई ना, मैं पढ़ाऊंगा, और क्या। जल्दी करवा देंगे स्पीड से पॉलिटी तो, ठीक है ना। सुनो भाई सुनो रे, चलो अब भारत के विषय में थे, अपने विषय पर आ जाते हैं, ठीक है। 10-15 क्वेश्चन ये जो एक्स्ट्रा हुए ये नजर आते हैं पेपरों में। हिमालय से जोड़कर एटलस का नाम लिया था हमने, क्योंकि कोर्डिलेरा है, दिशा से बाहर नहीं है, हम अपने विषय पर ही है, दिशा पर ही है, पर जितना ज्यादा बच्चा सीखे उतना अच्छा है, ठीक है। अभी सबसे पहले कौन सा हिमालय भाई? वो ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय तीन रेंज में डिवाइड है, ध्यान रखना। ट्रांस हिमालय कितने भागों में डिवाइड है? तीन में। पहली जो रेंज है उसको बोलते हैं काराकोरम रेंज। कौन सी रेंज है? ट्रांस हिमालय का पहला पोर्शन क्या है बेटे? काराकोरम रेंज। दूसरा जो ट्रांस हिमालय का पोर्शन है उसको बोलते हैं लद्दाख, ठीक, क्या है? और तीसरी जो रेंज है उसको बोलते हैं जास्कर। कौन सी रेंज? तो पहला हिमालय ट्रांस हिमालय कितने भाग में डिवाइड है? तीन, भारत में, ठीक है। इसका एक पोर्शन और है कैलाश, वो देखेंगे, ठीक है। तो कितने भाग हैं? तीन। कौन से हिमालय के? ट्रांस के। इस काराकोरम रेंज में ही यहां पर क्या है? केटू, ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। देख दो क्वेश्चन आते हैं बेटे, एक हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, एक हाईएस्ट पीक इन इंडिया, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, दोनों में अंतर है सवाल में, दोनों सेम ना है, दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये क्या है? ये है पीओके में, ये कहां पर है?
है तो भारत का भाग, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया तो क्या आएगा? और अगर क्वेश्चन आ जाए हाईएस्ट पीक इन इंडिया तो कंचनजंगा सिक्किम में, ठीक है, समझे ना दोनों क्वेश्चन? हाँ, भारत की और भारत में, यो छोटा सवाल है पर बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है ना भाई? साधारण सवाल है पर असाधारण सवाल है, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम में हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया आ जाए तो क्या बेटे? और हाईएस्ट पीक इन इंडिया आ जाए तो कंचनजंगा कहां पर? सिक्किम। अभी चुनाव है, एक और काम की बात बता देता हूं। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहां पर फ्लोटिंग सीट का प्रोविजन है। कैसी सीट? फ्लोटिंग सीट, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी डिलिमिटेशन हुआ तो वहां विवाद हुआ था इस बात को लेकर, धर्म के आधार पर किसी भी राज्य में सीट रिजर्व नहीं है। एससी एसटी की तो सीट रिजर्व है भाई, लोकसभा में भी विधानसभाओं में भी, लेकिन सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहां बुद्धिस्ट के लिए सीटें क्या हैं? रिजर्व हैं, ठीक है ना। सिक्किम ही एक ऐसा स्टेट है जहां पूरे भारत में किसी धर्म को आधार बनाकर सीटें क्या की गई है? रिजर्व की गई, ठीक है ना, उनको फ्लोटिंग सीट बोलते हैं। तो ये बड़ा सवाल है बेटे, चर्चा में था काफी, क्योंकि तुम खबर सुनती नहीं तो तुमने देरा नहीं, ठीक है ना, है भाई? तो खबर सुना करो थोड़ा बहुत, चुनाव चल रहे हैं, थोड़ा नोट करती रहो चीजों को, जरूर क्वेश्चन आओगे थारे पेपर में, जरूर एक क्वेश्चन आना है, और वो क्वेश्चन तुम सारी गलत करोगी, ठीक है। क्यों गलत करोगी? क्योंकि तुम बेरा ही नहीं, ठीक है, पढ़ती है नहीं। तो आधा घंटा ये ब्लॉग देखने की बजाय न्यूज देख लिया करो, ठीक है ना। ये जो घर घर में ब्लॉग चल रहे हैं ना, फलाना ढिगड़ा ये और वो, वे सुत आख्या न मसड़ते कैमरा लेकर उठे हैं, ठीक है ना, समझ गए ना? अरे मैं तो बहुत कुछ देखू, ठीक है, आख्या न मसड़ते कैमरा लेकर उठे हैं और आखिर में आख्यान झपकाते कैमरे अंदर दे, ठीक है ना। वो हमारा डेली रूटीन है, वे काम हम रोज करा हाँ, जे वे मारते दिखा रहे, ठीक है। तो पढ़ लो भाई, हाँ हाँ हाँ, ऐसा भी सही बात है, वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तब, प्रधानमंत्री तय है, ये सही बात है, ठीक है ना भाई। और सही आदमी प्रधानमंत्री बन रहा है, देखो यहाँ सवाल क्या है, सवाल व्यक्तिगत राजनीतिक विचारधारा को आधार बनाकर देश को देखने का नहीं है, ठीक है, सवाल अपनी व्यक्तिगत चिंतन को आधार बनाकर देश को देखने का नहीं है, देश के इतिहास वर्तमान और भविष्य को देखकर नेतृत्व चुनने का आधार है, ठीक है ना। जो काम 70 सालों में ना हो पाए वे हो गए हैं भाई, हुए के नहीं हुए, अगर योजनाओं की चर्चा करने लग जाएं, ठीक है, तो दिन रात ऐसे बीतते चले जाएंगे कि गणना होनी संभव हो जाएगी, असंभव हो जाएगी। तो ऐसे काम हुए हैं देश के अंदर, कमियां हर सरकार में, ना कोई बीजेपी काम की ना कोई कांग्रेस काम की, ठीक है। सवाल ये है, नेता जो देश में आया उसने एक ऐसे माहौल को पैदा कर लिया जिसकी उम्मीदें हम बचपन से देख रहे हैं, ठीक है ना, वो माहौल देश में पैदा हुआ, समझे ना। मुजफ्फरनगर का दंगा सुनोगे ना, जब बेरा पाटा कहानी के थी, हिंदू परिवार के दो लड़के, दूसरे धर्म के लड़कों ने बहन को छेड़ दिया, ठीक है ना, और वो दोनों भाई अपनी बहन का फेवर लेने के लिए शिकायत लेकर गए, शिकायत पर ही मार दिए, ठीक है ना, शिकायत पर ही मार दिए, ठीक। क्या अपनी बहन को रास्ते में कोई लड़का परेशान कर रहा है और हम उसके घर शिकायत लेकर जा रहे हैं और उनकी हत्या कर दी, और राजनीति आंखें बंद करके बैठी रही, ठीक है। फिर इस मुद्दे को लेकर पंचायत हुई, हिंदू समाज के हजारों लोग निहत्थे ट्रैक्टरों में ट्रोलियों में इकट्ठे हुए पंचायत करने के लिए, अब इस चर्चा पर बात करेंगे। जब वो रास्ते से लौट रहे थे जिसमें महिला